तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल के डोमिनेशन के बारे में जो कि वो वाइल्ड कार्ड के अंदर दिखा रहे हैं। BGIS 2024 इधर शुरू होने के बाद से ही टीम सोल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सब लोग इधर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डायरेक्टली सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे अपने घर जाना है। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बात किया था कि सोल एंड गॉड लाइक किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर द सेमीफाइनल, वो भी इजिली। देखिए, इजिली मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे पता था कि इनके अंदर पोटेंशियल है। गॉडलाइक के बारे में कुछ देर बाद में बात करते हैं, लेकिन सोल की अगर बात करें, ऑलरेडी फर्स्ट डे का परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच, तुम्हारी परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने के लिए मिला। कॉन्स्टेबल के अंदर एकदम टॉप पे बैठ के अपना खेल जो है वो दिखाते हुए दिख रहे हैं, और उसी के साथ साथ अपने जीत का डंका इधर बहुत जोरदार बजाए हैं। तो चलिए उनके थोड़े बहुत मैचेस के ऊपर ध्यान देते हैं और नजर डालते हैं। तो गाइस, अगर हम लोग फर्स्ट मैच की बात करें जो हम लोगों को वाइल्ड कार्ड डे 2 के अंदर देखने के लिए मिला था, जिधर टीम आइको सोल भी खेल रहे थे, तो ये मैच के अंदर आने के बाद वो टॉप 6 टीम से जिनके बारे में हम लोगों को बात करना होगा, जिधर ही हम लोगों को लाइक ओरिजिनली पता चलेगा कि टीम आइको सोल का मेन गेम क्या निकल के आया था, क्योंकि इसके पहले फाइट तो उनका हुआ लेकिन वो उस लेवल पर जाके कोई भी फाइट नहीं हुआ, सिर्फ एक ही फिनिशर्स वो निकाले थे और ज्यादा कुछ इधर चेंजेस नहीं आया, वो रोटेशंस दे रहे थे। रोटेशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि रोटेशंस आप इजीली जो मैप स्ट्रीम है उधर से निकाल के देख सकते हो, इसी वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। अभी इधर बात करेंगे टैक्टिकल एनालिसिस की कि किस तरीके से उन्होंने सोचा होगा और किस तरीके से वो अपने खेल को आगे बढ़ाया होगा। इधर आप लोग देख सकते हो, ये एरिया पे आप लोगों को इधर दिख रहा होगा कि टीम आइको सोल के पास एक कंपाउंड है, उनके जस्ट ऊपर जो है वो ऊपर इन द सेंस लाइक नॉर्दर्न साइड में थोड़ा सा दूरी पे बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स है, एंड उनके बाजू में इधर INT देखने के लिए मिल रहा है, मेडल ईस्पोर्ट्स का जो टीम है वो भी है, और उसके जस्ट एकदम नीचे रिजिस के नीचे टीम NTT गेमिंग दिख रहा है। बट NTT गेमिंग के सोमराज इधर टीम वोल्ट के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो हम लोगों को बहुत ही जल्दी एक NTT वर्सेस लाइक वोल्ट के बीच में वो फाइट देखने के लिए मिल रहा था, मिलने वाला है काइंड ऑफ, और उसी फाइट के ऊपर जो है टीम आइको सोल थर्ड पार्टी करने वाले हैं, तो चलिए उसके ऊपर डायरेक्टली जंप करते हैं। तो गाइस, ये है वो मोमेंट जिधर हम लोगों को टीम आइको सोल जो है वो इधर जंप करते हुए देखने के लिए मिल रहे थे, और देखिए इधर उनके पास एक कंपाउंड था, जैसे कि मैंने पहले कहा कंपाउंड था, और उधर से बाहर आके थोड़ा सा कंपाउंड जो है वो इधर आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे, कंपाउंड जोन के अंदर था। तो टीम आइको सोल की तरफ से पहला डिसीजन बहुत अच्छा लिया गया कि वो कंपाउंड पकड़ेंगे। इनके ऊपर अगर शॉट्स आने की बात करें तो वो राइट हैंड साइड से आ रहा था बिग ब्रदर स्पोर्ट्स की तरफ से, उसको रोकने के लिए उन्होंने इधर चार स्मोक्स इधर डाले, उसके सामने भी और 3 स्मोक्स डाला गया, ताकि ये जो पूरा एंगल है अगर इधर से कोई आगे पहुंच भी जाता है तो भी ये एरिया रिवील ना हो। और देखिए, सिर्फ यही नहीं, इधर तो सिर्फ 2 टीम्स नहीं है, इधर हम लोगों को टीम मिडिल स्पोर्ट्स भी दिख रहा होगा, जो कि आपको देख के लग रहा होगा कि ये एंगल जो खाली छूट गया, इधर ये स्मोक्स नहीं है, इधर से इनके ऊपर शॉट्स आ सकते हैं, लेकिन वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो एक रिज है ये एक हाइट है जिसके नीचे ये हम लोग को एक रिज देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके लिए ये है ऊपर का एंगल, और ऊपर के एंगल की वजह से ये आइको सोल के ऊपर शॉट्स नहीं आ सकते थे, दैट्स वाई आइको सोल इधर फुल्ली सेफ थे। उनको साउंड आया कि टीम वोल्ट का साउंड भी आया और फिनिशिंग फील्ड में नाम भी आया होगा, लाइक टीम का आता है नंबर एंड ऑल, तो उसमें दिख रहा होगा कि कोई ना कोई तो इधर फाइट कर रहा है और गन का जो साउंड है वो भी निकल के आ रहा है, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा आगे आए और थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मान्या कितना क्लोज आ गए, नकुल भी स्मोक के थ्रू इधर आप लोगों को जो है वो आगे बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे होंगे, इधर नकुल आते हुए देखने के लिए मिले स्मोक के थ्रू, इधर देखिए बैक टू बैक ग्रेनेड्स आ रहा है। मान्या काफी ज्यादा ओपन में आके खेल रहे थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक नॉक भी निकाला जाएगा कुछ ही देर के बाद। देखिए ये पेड़ में थे लेकिन इनको पता नहीं था कि विशु जो है वो इस पोजीशन में जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से लाइक उनको इधर नॉकआउट किया गया और बैक टू बैक कोशिश भी करा गया यूटिलिटीज के थ्रू कि वो इधर शटडाउन कर पाए, बट वो नहीं कर पाए। सही टाइम पे उधर जो पहले स्मोक का वॉल बिछाया गया था उसका उनको फायदा मिला, और वो फायदे की वजह से झट से नकुल आए और मान्या को उधर रिवाइव करते हुए देखने के लिए मिले। इसके बाद हम लोगों को जो है वो काफी सारे फाइट देखने के लिए मिले, विशु की तरफ से बैक टू बैक ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन यूटिलिटीज दो भरपूर जो है वो उनकी तरफ से निकल के आया, लेकिन डायरेक्टली जंप करते इधर नेक्स्ट फाइट के ऊपर, जिधर हम लोगों को जो है वो टीम आइको सोल काफी बेहतर करते हुए देखने के लिए मिले थे। देखिए इस टाइम पे टीम वोल्ट का इधर समाप्ति घटा, जिधर टीम मेडल के ऑनकोर जो है वो फुल्ली रेडी थे, और उनकी तरफ से देखिए इसी रिज के बारे में बात कर रहा था कुछ देर पहले, जो हाइट इधर देखने के लिए मिल रहा था आप लोग पॉज करके देख सकते हो, वो हाइट की वजह से आइको सोल को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो क्रिएट कर रहा था बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स, और बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स के साथ मेडल ईस्पोर्ट्स का फाइट हो गया, तो बिग ब्रदर एंड मेडल के फाइट के बीच में इधर टीम बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स काफी ज्यादा फंस गए थे, दोनों तरफ से शॉट्स आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ मेडल ही नहीं इधर आइको सोल की तरफ से भी शॉट्स आए, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली वो नॉकआउट जो है वो देखने के लिए मिल रहे थे दूसरी तरफ,
और इधर मेडल स्पोर्ट्स लाइक सयम। दूसरी तरफ देखिए, इधर आपको दिख रहा होगा कि फिनिशिंग स्पीड में रॉनी इधर सैफ को डाउन किया, उसके पहले मानिया ने नॉकआउट किया था, और उसके बीच में इधर एक और नॉकआउट आया, गमला बॉय ने उधर शट डाउन किया ऑनकोर को, लेकिन जोन इनको छोड़ के चला गया था जिसकी वजह से सयम इनको शट डाउन करे और उसके बाद आगे बढ़ते गए। बाकी रहे सिर्फ दो टीम्स, क्योंकि इधर आप देख सकते हो कि इधर आइकू सोल जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर इस पावर है, ये सारे प्लेयर मिलके उधर समाप्त कर चुके थे बिग ब्रदर स्पोर्ट्स को। जोन के बाहर से इधर आए और उसके बाद पूरा टीम एक साथ हो गया, प्लेयर एडवांटेज इनको मिला, और उसके बाद एक के बाद एक प्लेयर को खत्म करके इधर ये पूरा जो चिकन डिनर है वो इधर मिलता हुआ दिख गया टीम आइकू सोल को। तो ये था पहला मुकाबला, और इस मुकाबले को देखते हुए पता चल रहा है कि कितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके ये टीम खेलता है, लाइक ऐसे ही वन ऑफ द बेस्ट टीम नहीं है पूरे इंडिया का। चलिए नजर डालते हैं फिर अभी नेक्स्ट मैच के ऊपर। ओके गाइस, तो ये था वो मैच नंबर 2 जो कि मिरामार में खेला जा रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इधर ला कोबरे के ऊपर जो है वो अपना ड्रॉप लेते हैं यूजुअली आइकू सोल अभी के टाइम में, और उधर से अपने जो रोटेशन है वो आगे बढ़ाते हैं। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो सिनेरियोज है वो अभी हम लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिला। इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किस तरीके का जो वो रोटेशन है वो देखने के लिए मिला, और डायरेक्टली जो रोटेशन है हम लोगों को ला कोबरिया से बहुत ही ज्यादा लेट देखने के लिए मिला। इधर उतरे थे, इधर से बहुत लेट रोटेशन लेते हुए वो एकदम वेस्टर्न साइड के जो ये रिजेस है इसको पकड़ते हुए, ये रोड को पकड़ते हुए मोस्ट प्रोबेबली फिर वो हम लोगों को अंदर आते हुए देखने के लिए मिले थे, जो कि अभी के अभी आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा। एंड फॉर श्योर इधर देखिए, इधर एकदम वेस्टर्न साइड को पकड़ते हुए उधर कंपाउंड्स के साथ साथ लगे हुए वो एकदम एंटर कर गए, और वो उधर रुके नहीं, ये जो तो जोन वो रुके नहीं, वो एकदम बीचों बीच आते हुए देखने के लिए मिले, और उधर इनका वो फाइट जो है वो होने वाला था एंटिटी के साथ। एंटिटी और टीम आइकू सोल बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, और ये चीज़ आप लोगों को इधर देखने के लिए मिल रहा होगा ये स्क्रीन के ऊपर। चलिए इसको थोड़ा बड़े करके दिखाते हैं आप लोग। तो गाइस ये वो मोमेंट है जिधर टीम एंटिटी क्लोजिंग करते हुए दिख रहे थे टीम आइकू सोल के साथ। तो आइकू सोल की अगर बात करें पोजीशनिंग की, तो देखिए इनके सामने रिजेस है, ऑब्वियसली ये रिजेस का उनको फायदा मिल रहा है, एंड उसी के साथ साथ ऑपोजिट साइड की अगर बात करें टीम एंटिटी, लाइक उनके पास भी वो जो रिजेस है वो इधर देखने के लिए मिल रहा था। बट ये फाइट शुरू तो हुआ लेकिन एंटिटी ने ये फाइट लिया नहीं, ये एक बहुत ज्यादा देखने वाली बात है कि अगर आप ले रहे हो फाइट को, लाइक फाइट आप शुरू कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग इधर आके देखोगे तो इस पे आपको इधर दिखेगा कि जो ये फाइट है ये शुरू होने वाला था लेकिन उसके बाद टीम एंटिटी जो है वो अपना रोटेशन इधर दे बैठे, लाइक वो इधर रुके नहीं, इधर जब उन्होंने देखा कि प्लेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो वो इधर से वो पीछे चले गए, और पीछे जाके थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो इधर क्रिएट किया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा लाइक ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो शुरुआत में ही फाइट ले लेते, क्योंकि तब भी इधर अगर हम लोग बात करें तो तब भी इधर जिंदा थे इधर 64 प्लेयर्स, और उसी के साथ साथ 16 जो टीम्स हैं वो तब भी बचे हुए थे, तो दैट मीन्स इधर कोई भी कैजुअलिटी तब तक हुआ ही नहीं था, और जब तक आपका कैजुअलिटी हो ही नहीं रहा तो आप ऑब्वियसली फाइट नहीं लेना चाहोगे ऐसे सिचुएशंस के अंदर जिधर आपके खतरे के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता हो। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं फाइट में हुआ क्या क्या था। आइकू सोल अपना पोजीशन इधर जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि सेम जगह पे ही जो है वो आइकू सोल इधर बने हुए थे, और उसी जगह के साथ साथ वो अपने जो रोटेशंस है वो इधर ज़्यादा दे नहीं रहे थे क्योंकि जोन उनके ऊपर था, और बैक टू बैक जो जोन है वो उनके ऊपर ही देखने के लिए मिला। फिर एक बारी आई जिधर हम लोगों को आइकू सोल एक बार फिर से फाइट लेते हुए देखने के लिए मिल रहे थे, जिधर आइकू सोल लाइक एकदम बीचों बीच में होल्ड कर रहे थे, एंड उनके सामने जस्ट टीम बोल्ट जो है वो इधर घुसते हुए दिखे, और उनके सामने सिर्फ बोल्ट ही नहीं मल्टीपल टीम्स थे, टीम OMG वो भी इधर देखने के लिए मिले थे, जो कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर होल्ड करते हुए देखने के लिए मिले। तो ये सारे चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैरी करता हुआ देखने के लिए मिला इस पूरे खेल के अंदर, लेकिन वी नो कि इधर टीम सोल ऑब्वियसली इधर जो अपना जीत है वो अपने जीत का जो डंका है वो इधर बजाते हुए देखने के लिए मिलते हैं। फिर से एक डिस्टेंस बना, फाइट कुछ खास उधर हुआ नहीं, इधर जो है वो उन लोगों को आगे चलते हुए टीम आइकू सोल पूरे पहाड़ी लाइक लाडरेल का जो एरिया है उसके जस्ट ऊपर का जो पहाड़ी है उधर होल्ड करते हुए देखे, तो हाइट एडवांटेज इनको मिला, और यही चीज़ें होते हैं कुछ कुछ जो आपको हाइट एडवांटेज, मिरामार के अंदर हाइट एडवांटेज होना आपके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आपको पूरा खुले दूर दूर तक का जो पूरा रोटेशन है वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली, आखिर में कुछ ही इधर प्लेयर्स लाइक 12 टीम और 32 प्लेयर उधर बचते हुए देखने के लिए मिले थे, और अगर हम लोग बात करें रोटेशन की, एस पावर सबसे थोड़ा सा दूर था, इधर सैकल का शिफ्ट आया,
सेंट्रल शिफ्ट देखने के लिए मिला, हाइट के एडवांटेज की वजह से आईकू सोल को भी थोड़ा फायदा मिला, एंड ऑब्वियसली वो फायदा जो है वो उठाते हुए देखने के लिए मिले। थोड़ा सा अगर और आगे हम लोग चलेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद पता चलेगा कि सिनेरियोस क्या है। आईकू सोल देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो आप लोगों को इधर दिख रहा होगा कि आईकू सोल जो हाइट के बारे में मैं बात कर रहा था वो हाइट जो है वो इधर आपको दिख रहा होगा कि ये जगह पे दो प्लेयर लाइक उसके रॉनी एंड नकुल और इधर है इस्पॉर एंड मानिया, तो दोनों दोनों करके इधर डिवाइड में खेल रहे थे। ऑब्वियसली इसी तरीके का डिवाइड होता है, हाइट एडवांटेज पूरा है इनके इधर से। वो अगर थोड़ा सा पीछे ये एरिया पे आएंगे तो इधर भी एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा प्लेयर है कि नहीं है, क्योंकि स्मोक इधर दिख रहा था। इधर से एम्पेरियंट ईस्पोर्ट्स के ऊपर भी नज़र रखा जा सकता है, इधर से बोल्ट के ऊपर भी नज़र रखा जा सकता है, इधर से वीएसटी के ऊपर भी नज़र रखा जा सकता है। मिडल ईस्पोर्ट्स इतना नीचे है कि अगर ऊपर की तरफ आएंगे तो ये पीछे से ये दोनों टीम्स को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। वो तो हम लोग आगे देखेंगे कि जो सिचुएशन था वो कैसे बना और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को आगे और बढ़ते हुए देखने के लिए मिले। चलिए नज़र डालते हैं ये कैसा क्या हुआ था। आईकू सोल की तरह से इस्पॉर ने उधर नॉकआउट निकाला और उसके बाद मानिया उधर मैक्स कैश जो थे लाइक उनको एम्पेरियंट ईस्पोर्ट्स के मैक्स कैश को लाइक समाप्त कर ही चुके थे काइंड ऑफ, क्योंकि मोलोटोव का कनेक्शन हो जाता और उसके साथ उधर जल के मर जाते वो। वही चीज़ हुआ जी हाँ, उधर विराज का डाउन हुआ, इस्पॉर ने उधर फिनिश किया और उसके साथ साथ नकुल भी जो है वो मैक्स कैश को इधर नॉकआउट कर दिए। तो एम्पेरियंट ईस्पोर्ट्स का शायद एक ही प्लेयर और बचा हुआ था जो कि अपने आप को बहुत दूर दराज पे रखा था। तो टीम आईकू सोल के पास देखिए ये है हाइट एडवांटेज का कितना फायदा हुआ उनको, और ये फायदा वो इधर उठाते हुए देखने के लिए मिले थ्रू आउट द गेम, थ्रू आउट द सिनेरियो। वो इस पूरे फाइट को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो करते हुए देखने के लिए मिले थे। तो इसके बाद इधर हम लोगों को टीम मेडल स्पोर्ट्स देखे, तो मेडल स्पोर्ट्स भी वन ऑफ दोज टीम्स हैं जो कि इस पूरे खेल के अंदर पूरे दिन के अंदर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थे। एज अ वाइल्ड कार्ड टीम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कंसिस्टेंसी दिखाओ, क्योंकि बाकी सारे जितने भी अंडरगॉड टीम्स हैं वो कोशिश करेंगे कि वो इधर आगे बढ़ पाए एंड उसके साथ साथ लाइक वो इधर फाइट पे आपको हरा के चला जाए। लेकिन उसी जगह पे जो लाइक एक्सपीरियंस टीम है उनके दिमाग में यही रहेगा कि सर्वाइवल गेम इज द की, अगर आप सर्वाइव करते हो तो आपको मौका मिलेगा। इधर से ये जो ग्रेनेड आया था गॉड का बहुत ज़्यादा ऑन टॉप था, लाइक ऑन पॉइंट था, और नियो की तरफ से था, सॉरी फॉर दैट, लाइक नियो की तरफ से वो ग्रेनेड था जिसकी वजह से ऑनकोर को नॉक किया गया। बट ऑनकोर का किल जो है वो लाइक फिनिशेस जो है वो दूसरे टीम ने इधर सिक्योर किया जो कि था आईकू सोल। तो इस पे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इधर आईकू सोल का जो इस्पॉर है उनकी आप पीओवी को देख सकते हो, अकेले इधर लाइक प्लेयर बचे हुए थे नियो, और नियो के ऊपर चार के चार प्लेयर मिलके घिरे, इधर 15 फिनिशेस इनकी तरफ से निकल के आया, और ऑब्वियसली लाइक इधर से एक प्रॉपर विनर विनर चिकन डिनर देखने के लिए मिला, और टोटल इसी वजह से जो है वो टॉप पे हम लोगों को देखने के लिए मिले थे इस पूरे एंटायर खेल के बाद भी, लाइक पूरे दिन के बाद एकदम टॉप पे बैठे हुए थे पॉइंट्स टेबल के। तो ये था गाइज हमारा थोड़ा बहुत डिस्कशंस एंड ऑल इस पूरे दिन के ऊपर। जी हाँ, तीसरा मैच भी था जिसको लेके भी हम लोग डिस्कशन कर सकते थे, बट आई थिंक वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आप लोग कुछ सीखे होंगे इधर से कि एज अ टीम कैसे बढ़ना है, टॉप टीम से क्या क्या सीख सकते हो आप, किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए खेल के अंदर। तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। पिछले वीडियो पे लाइक मैंने जो बनाया था इस तरीके की लाइक जो कार्निवल गेमिंग के ऊपर, उस पर व्यूज़ तो आए थे बट आप लोगों ने लाइक नहीं किया था, तो मेक श्योर कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा, एंड उसी के साथ साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड फीडबैक अगर कुछ भी रहे पॉजिटिव नेगेटिव जरूर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड गुड नाइट।